कैसे हो रणवीर? यारे तुम फॉर्मेलिटी कब से करने लग गए? फिर तो मुझे भी कहना चाहिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब बताओ क्या अर्जेंट पेपर वर्क है? बता क्या चल रहा है। ओके सो फाइनली सेट पे सब खुश है। अर्जुन इज बैक विद अ बैंग एंड उसको थोड़ा सा बस एक दो घंटे की छुट्टी मिल गई है नागिन से, तो यहाँ पर आ गया। एंड शो में ये चल रहा है कि रणवीर ने शिखर को फ़ोन करके बुलाया है कि मैं अपने विल के पेपर्स को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गुजरने वाला हूँ एंड पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो ये आता है मेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी वगैरह करने एंड मैं रणवीर से गुस्सा हो जाती हूँ कि तुम्हें हमारे प्यार में विश्वास नहीं है, तुम्हें सब क्यों बोल रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। एंड बस बेसिकली मैं अभी वापस आ गया हूँ और पता नहीं कब तक आया हूँ, सो दैट्स व्हाट इट इज। और अभी फिलहाल मुझे नागिन में जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा क्योंकि मुझे सजा तो जरूर मिलेगी। या तो मैं जेल में जाऊंगा या तो इस बीमारी से मर जाऊंगा, इसलिए जाने से पहले मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करके जाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे पीछे से मेरे माँ बाबा को संभाल सको जैसे तुम मुझे संभाला करते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो ये सब? तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आ सकते कि मैं तुमसे अलग होऊंगी? मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं तो मुझ पे भरोसा रखो रणवीर। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ट्रस्ट मी। कहते हो तुम्हारी आशिक है मुझसे, लेकिन मेरी जिंदगी तुमसे अलग है। तुमने ऐसी बातें की, तुम्हें बिना बीमारी के मत सोचो।